भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच या कहें बॉक्सिंग डे मैच सेंचुरियन के मैदान पर शुरू हो चुका है। इस मुकाबले में कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टॉस जीतने के बाद उन्होंने कहा कि स्कोरबोर्ड पर पहले रन लगाना फायदे का सौदा रहेगा। टॉस के बाद दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 का भी ऐलान किया। विराट कोहली ने जो प्लेइंग 11 चुनी है वो इस मैदान पर टीम इंडिया का इतिहास बदलने के मकसद से उतरेगी। दरअसल भारतीय टीम का इतिहास सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क पर अच्छा नहीं है। यहां खेले पिछले दोनों टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार टीम के इरादे अलग हैं। कोहली और मैनेजमेंट ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए रहाणे पर भरोसा जताया है और उनके अनुभव की कद्र की, लेकिन फैंस को ये बात हजम नहीं हो पा रही है और वो सोशल मीडिया पर उनकी जगह श्रेयस अय्यर या हनुमा विहारी को मौका देने की बात कर रहे हैं। भारत इस मैच में 5 गेंदबाजों के साथ उतरा है। इसमें अश्विन, बुमराह, शमी, सिराज और शार्दुल ठाकुर के नाम शामिल हैं। मतलब ये कि अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा को अपने मौके के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, आर अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर शामिल हैं।